हेलो। सो गुड 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 इवनिंग फ्रेंड्स। वंस अगेन आई एम हियर। कल का जो छूटा हुआ था फोर लूप के और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ आज, और इन एग्जांपल से हम फोर लूप को और अच्छे तरीके से जानेंगे। सो प्लीज वॉच एंड लिसन। फर्स्ट पाइथन फैक्टोरियल प्रोग्राम विद फॉर लूप, यानी कि पाइथन का फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमें बनाना है फॉर लूप के साथ। तो एक नंबर वेरिएबल लेना है जो कि इंटीजर टाइप से हमें इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है। एंटर नॉन नेगेटिव नंबर टू टेक फैक्टोरियल ऑफ, यानी कि जिसका आपको फैक्टोरियल बनाना है, तो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। सपोज फैक्ट इज इक्वल टू, अगर वन मैंने लिया तो फोर लूप क्या करेगा, आई एन रेंज, रेंज कितनी, जो नंबर मैं इनपुट करूंगा उतनी, यानी नंबर के इनपुट के अकॉर्डिंग मुझे रेंज लेनी है। सो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू मल्टीप्लाई आई प्लस वन, यानी कि आई में भी वैल्यू प्लस होती जाए। उसके बाद प्रिंट कमांड लगा दूंगा, सीधा सीधा, बहुत ही सीधा है, फैक्टोरियल ऑफ ऑफ गिवन नंबर, यानी कि जो नंबर आपने दिए हैं उसका फैक्टोरियल यहां पर आ जाएगा। सो नंबर मुझे प्रिंट कराना है सात के साथ, मुझे प्रिंट कराना है इक्वल, यानी कि आपको पता लगता रहेगा कि किस तरह से कौन से नंबर का फैक्टोरियल आ रहा है। सो शैल आई एग्जीक्यूट, मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं नंबर डालता हूँ थ्री, फाइव नंबर डालता हूँ। फाइव का 120 होता है, लेकिन हो सकता है एक तुक्का हो, तो हम नंबर चेंज कर लेते हैं, एट कर लेते हैं। और एट का भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एकदम सही एग्जाम्पल है। यानी कि फैक्टोरियल के प्रोग्राम में एक नंबर को इनपुट लेना है, फिर फैक्टोरियल वेरिएबल लेना है, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज वन करनी है, लूप चलाना है कि आई की वैल्यू कितनी रेंज तक चले जितना हमें नंबर देना है। सपोज मैंने एट नंबर दिया तो कब तक चलेगा, एट तक, यानी जीरो से सेवन, लेकिन आई की वैल्यू प्लस वन करने के कारण वन टू एट नंबर तक ये लूप चलेगा। फिर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई प्लस वन, यानी कि जो भी वैल्यू है आई की वो इससे मल्टीप्लाई होती जाएगी और प्लस वन करती जाएगी, और जो आउटपुट आएगा वो आपका फैक्टोरियल होगा। सो आई थिंक यू के यू आर अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं रेंज फंक्शन की। कौन से फंक्शन की, रेंज फंक्शन की। रेंज फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेंज फंक्शन क्या करता है, यूज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद स्टार्ट। सो आपको पता होना चाहिए कि नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपके नंबर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड एंडिंग एंडिंग विद वन लेस देन द स्टॉप। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका नंबर जो स्टार्ट हो रहा है तो उससे एक नंबर लेस क्यों होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू चलती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो से स्टार्ट होने के कारण इसको लेस देन वन हमने लिखा है।
ओके, सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। अब मैं रेंज लिखता हूं आपके सामने कि रेंज मैंने 10 लिखा, क्या लिखा 10, तो आउटपुट में क्या आएगा 0 to 9, यानी कि रेंज कितनी हुई 0 से लेकर 10 तक। क्लियर? तो जो आउटपुट आ रहा है यानी कि 0 और 10, यानी कि इसके बीच में बहुत सारे वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद अगर मैं रेंज लिखता हूं कि 1 to 11, तो जो रेंज होगी मेरी वो 1 से स्टार्ट होके 11 में फिनिश होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट एक जो स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है, एंडिंग वैल्यू दे दी है, तो इसलिए यहां पर एंड नहीं आएगा। अब हम बात करें एक और रेंज की। रेंज को हम स्टार्ट करेंगे 0 से, कब चले 30 तक कॉमा 5। सो 5 5 का गेप आपको मैंने कल बताया था कि कैसे उसमें गेप आएगा। आउटपुट जो आएगा इसका, इसका तो आउटपुट आएगा आपके, अगर आप जब प्रोग्राम में रन करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट आपका आएगा सिंपल सा है, 1 कॉमा 2 3 4 5 डैश 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 कॉमा 10, तो इस और कॉमा 11, तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। अब जो इसका आउटपुट आएगा वो बहुत आपको कॉमन सेंस रखना है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था। तो इसकी स्टार्टिंग होगी 0 से, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 25, क्योंकि 30 के पहले मुझे ख़त्म करना है, लास्ट मेरी वैल्यू है 30। तो 0 से स्टार्ट होगी तो 29 9 आएगी, अगर 1 से स्टार्ट करूंगा तो मैं 30 यहां लिख पाऊंगा। क्लियर? अब मुझे अगर नेगेटिव रेंज देखना है तो मैं क्या करूंगा, 0 से स्टार्ट कर दूंगा, -9 और -1 लगा दूंगा। तो रिवर्स में ये जब चलेगा आउटपुट, तो आपका आउटपुट कैसा होगा, यहां पे आपका आउटपुट बहुत ही सिंपल होगा, 0 -1 कॉमा -2 कॉमा, इस तरह से आपके डैश 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 कॉमा -8, यानी कि 9 नहीं आएगा क्योंकि -1 दे रखा है मैंने, तो -1 से स्टार्ट हो रहा है। जब भी नेगेटिव वाली होगी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है आपके यहां पर, तो ये रिवर्स में चलेगा आपके। क्लियर? तो यहां तक ये क्लियर हो गया हो तो हम एक रेंज का छोटा सा प्रोग्राम बना के देता हूं, तब आपको समझ में ज्यादा बेटर आएगा। ये तो एग्जाम्पल थे कि रेंज कमांड काम कैसे करता है, आउटपुट कैसे आता है। अब हम रेंज फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट ऑफ द रेंज फंक्शन। सो फोर एन इन रेंज, यानी कि रेंज कितना दिया मैंने 5, तो मैं प्रिंट कर दूंगा इसको कि एन इंटू 10, और जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 40 तक, यानी कि जो मेरा नंबर है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 हो गई, लेकिन अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू 1 लगा देता हूँ तो अब मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी 10 20 30 40। ओके, 5 पे एंड हो रहा है तो 5 नहीं आएगा, लेकिन मैं यहां पर 6 लिखूंगा तो आपके 5 भी आएगा। क्लियर? अब यहां तक सब चीजें फिनिश हो चुकी है, तो हम वाइल लूप की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट लूप है फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप। अब वाइल लूप एक्चुअल में होता क्या है, तो वाइल लूप करता क्या है, अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द टेस्ट या कंट्रोल कंडीशन ऑफ द लूप इज ट्रू। यानी कि ये कब तक चलेगा, जब तक आपकी कंडीशन का कंट्रोल कंडीशन का लूप ट्रू नहीं हो जाता। यानी कि वाइल लूप तब तक आपका एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन
ट्रू नहीं हो जाती अगर आपका प्रोग्राम सही है तो। सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वाइल लूप काम करेगा। अब वाइल का जो सिंटैक्स है सिंपल है, मैं आपको वाइल का सिंटैक्स बता देता हूँ। सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप, यानी कि वाइल लूप अटैच कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले वाइल लूप कंडीशन कोलन, उसके बाद आपका जो है बॉडी ऑफ वाइल, फिर उसके बाद आपका एल्स लगेगा, देन उसके बाद आपका बॉडी ऑफ एल्स, यानी कि ये सब होने के बाद आपका कोड आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम बात करें इसी सिंटैक्स में, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाइल क्या है। व्हाइल इज अ रिजर्व कीवर्ड ऑफ द पाइथन, यानी पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या चेक करती है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये जो वैल्यू है, अगर मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं, यानी कि व्हाइल क्या है, रिजर्व की वर्ड ऑफ पाइथन, ये क्या है, कंडीशन टू बी चेक्ड ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपकी कंडीशन ट्रू और फॉल्स चेक करेगा। थर्ड जो है बॉडी ऑफ व्हाइल, ओके अब बॉडी ऑफ व्हाइल क्या करता है आपके लिए, सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट क्या करता है, कंसिस्ट सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। एल्स पार्ट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है ऑप्शनल वैल्यू, ऑप्शनल कंडीशन, यानी कि जो अदर देन कंडीशन होती है, जो फॉल्स, और अगर डेटा कंडीशन फॉल्स है तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, तो एल्स वही काम करता है आपका, क्लियर। यानी कि ये क्लियर होने के बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। वाइल लूप का काउंटर एक वेरिएबल बना दिया मैंने और वाइल लूप लगा दिया कि काउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 चले, या 7 ले लेते हैं, 10 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट कर दें हम किसको, सी एन टी को, और सी एन टी को प्रिंट करने के बाद सी एन टी इज इक्वल टू सी एन टी प्लस प्लस इक्वल टू 1। एक मिनट, ओके, सी एन टी प्लस इक्वल्स टू, यानी पहले से ही इंक्रीमेंट हो जाएगा कंडीशन टेस्ट होने के पहले। आउटपुट देखते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो 7 तक चलेगी पूरी, क्योंकि लेस देन इक्वल है, क्योंकि मैंने काउंटर में बिफोर ही प्लस कर दिया है असाइन होने के पहले ही एक। तो इस तरह से आपका वाइल लूप काम करेगा कि काउंटर की वैल्यू 1, वाइल कंडीशन चेक की, प्रिंट किया और कंडीशन में एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब इसी तरह हम सेकंड प्रोग्राम की बात करें तो सेकंड प्रोग्राम जो है मेरा फैक्टर नंबर चेक करना है, यानी कि फाइंड फैक्टर नंबर। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू इनपुट लूंगा इंटीजर टाइप की, इनपुट
मैसेज देता हूं मैं, एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टर, यानी कि मुझे वो नंबर एंटर करना है जिसके मुझे फैक्टर फाइंड करना हो. सो प्रिंट कमांड लगा देता हूं, वन कोमा एंड स्पेस के लिए काम आता है, सेपरेटर के लिए, तो मैं एक सेपरेटर यूज करना चाहूंगा यहां पे, सो इसलिए मैं यूज कर रहा हूं. फिर मैं कह रहा हूं वन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर मुझे इसमें देखना है, तो मैं क्या करूंगा, फैक्टर ले लूंगा एक वेरिएबल और उसको असाइन कर दूंगा टू, व्हाइल की कंडीशन लगाऊंगा कि फैक्टर लेस देन इक्वल्स टू एन बाय टू हो, यानी फैक्टर क्या हो, जो भी फैक्टर हो एन से, एन की नंबर ऑफ एन की वैल्यू को दो से डिवाइड कर दे. कि इफ कंडीशन लगेगी एन मोड फैक्टर डबल इक्वल टू जीरो हो जाए, तो मेरी दूसरी कंडीशन क्या होगी, पहली तो होगी व्हाइल जो कि दो से डिवाइड करे, दूसरी इफ लगा दी कि एन मोड फैक्टर डबल टू, यानी कि एन जब मोड करे फैक्टर से तो वैल्यू कितनी आए, जीरो आ जाए. तो इस केस में क्या प्रिंट होगा मेरा, तो मैं प्रिंट करूंगा इस केस में फैक्टर कोमा एंड सेपरेटर. एंड सेपरेटर स्पेस के लिए काउंट होता है, और क्या कर दूंगा, फैक्टर प्लस इक्वल्स टू वन, यानी फैक्टर में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाए. फिर प्रिंट कमांड लगा दूंगा, प्रिंट मेरा एन वेरिएबल है, उसके बाद एंड सेपरेटर में फिर से लगा दूंगा, क्योंकि एंड सेपरेटर की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी. तो यहां पर इस प्रोग्राम से क्या होगा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूं. सो सेल वी एग्जीक्यूट, मैंने नंबर दिया यहां पे 20, इसके फैक्टर आ गया कितना आया, 1,24,51,020. तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा, अगर हम छोटा फैक्टर देखते हैं थोड़ा, हम 6 का फैक्टर देख लेते हैं, 6 का 1,2,3,6, यानी कि आप काउंट कर लीजिए 6 का फैक्टर यही होगा. क्लियर? सो यानी कि व्हाइल लूप में फैक्टर निकालना कैसे है, कि सबसे पहले एक नंबर इनपुट कराना है, फिर स्पेस वन लेकर स्पेस काउंट कराना है, जो यहां पर आ रहा है फैक्टर प्रिंट हो गया, उसके बाद फैक्टर की वैल्यू मैंने जब टू कर दी तो फैक्टर क्या करेगा, नंबर को डिवाइड कर देगा टू से, कंडीशन लगा दी, यानी कि कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो मैंने इफ लगाया नहीं. उसके बाद क्या करेगा कि एन जो वैल्यू है उसका मोड कितना हो, फैक्टर के बराबर जीरो हो जाए, फिर फैक्टर और एंड आ जाए, फैक्टर में प्लस इक्वल्स टू वन असाइन हो जाए, प्रिंट हो जाए. सो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी को, क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको अच्छे से समझाने की. एक प्रोग्राम हम और देखते हैं कि इलस्ट्रेट करना चाहूंगा मैं एक बार फिर से व्हाइल लूप स्टेटमेंट्स को, कैसे कि मुझे एक फिर से मैंने काउंटर वेरिएबल कितना ले लिया, जीरो ले लिया, व्हाइल लूप लगाया मैंने कि काउंटर कितना हो जाए मेरा, लेस देन थ्री हो. अगर मेरी कंडीशन क्या थी कि मैंने काउंटर को इनिशियलाइज कितने से किया, जीरो से, लेकिन मैंने कंडीशन क्या कहलाई कि लेस देन थ्री हो. तो मैं प्रिंट कमा के देख लेता हूं कि कितनी बार मेरा प्रिंट डेटा आता है. सो इनसाइड व्हाइल लूप ये एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूं, और सीएनटी इज इक्वल्स टू सीएनटी प्लस वन, क्योंकि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर डेटा चलेगा थ्री टाइम्स. क्यों? क्योंकि वैल्यू कितने की, 0, 1, 2, यानी कि तीन बार चलेगा, तो इसलिए मुझे वो प्लस वन दिखाना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सो इनसाइड अ व्हाइल लूप, फर्स्ट कंडीशन जीरो थी, यानी कि पहले मेरे जीरो लूप चला, जीरो लेस देन थ्री है, इनसाइड लूप प्रिंट हो गया, लेस देन थ्री है
तो जीरो में प्लस वन हुआ तो कितना हो गया वन, तो वन टाइम मेरा लूप प्रिंट हो गया था, जीरो टाइम मेरा प्रिंट लूप हो गया। फिर नीचे आते हैं जीरो प्लस वन कितना हुआ वन, काउंटर में वैल्यू कितनी आ गई वन, तो काउंटर में वैल्यू है तो वन लेस देन थ्री है, बिल्कुल है, तो इनसाइड लूप प्रिंट हुआ। सेकंड, तो काउंटर में वैल्यू कितनी होगी वन, और वन प्लस वन टू, काउंटर में अब कितना आ गया टू, तो काउंटर की वैल्यू कितनी होगी टू, टू लेस देन थ्री है तो लूप प्रिंट हो गया इनसाइड लूप। अब काउंटर की वैल्यू कितनी होगी टू, टू प्लस वन, तो काउंटर में कितना हो गया थ्री, थ्री, तो काउंटर में जीरो की जगह कितना आ गया थ्री, काउंटर चला, काउंटर की वैल्यू कितनी थ्री, थ्री लेस देन थ्री है नहीं है, थ्री तो बराबर है, सो लूप टर्मिनेटेड। अंडरस्टैंड आई थिंक। सो मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा पाइथन का कि मुझे करना कैसे है। मैं एक एक्सप्रेशन का व्हाइल यूजिंग विद एक्सप्रेशंस, यानी एक्सप्रेशन को भी मैं यूज करना चाहूंगा इसमें। सपोज मैंने एस की वैल्यू ले ली कितनी जीरो, और वाइल लूप को मैंने एक्टिवेट किया कि वाइल क्या कर दिया मैंने एक्स लेस देन टेन, यानी एक्स एक वेरिएबल ले ली है और उसकी वैल्यू कितनी कर दी टेन। अब जो है तो मेरा क्या हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू एस प्लस एक्स, ठीक है, और फिर x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ये मैं एक समझाने के तौर पे बता रहा हूँ आपका आपको कि हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इसमें प्रिंट किया मैंने तो क्या आ जाएगा द सम ऑफ फर्स्ट नाइन इंटीजर्स इज, यानी फर्स्ट नाइन इंटीजर का सम हो जाए, यानी कि ये बॉडी ऑफ एल्स है। ये क्या है else, यानी कि मेरी कंडीशन गलत होगी तो मेरा कौन सा आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो शैल बी एग्जीक्यूट एरर्स की वाइल एक्स, क्योंकि नंबर नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, सो मुझे एक्स भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं एस के साथ क्या कर देता हूँ एक्स इज गोस टू जीरो कर देता हूँ एक बार, तो सो उसके बाद हम एग्जीक्यूट, क्योंकि एक्स मैंने डिफाइन नहीं किया इसलिए इसने एरर दी है, और एक्स शुड बी डेफिनेटली डिफाइन। ओके, सो आप समझ गए होंगे नाइन इंटीजर नंबर्स क्यों चले गए, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है और ये जब तक मूव करती रही तो एस में पहले कितना था जीरो, एक्स में भी कितना था जीरो, तो एस में कितना आया जीरो, लेकिन अब x प्लस वन तो x में यहां पर वन आ गया, जब वो जीरो के बाद दोबारा ये वैल्यू हुई जीरो से वन हुई, इंक्रीमेंट हुआ वैल्यू में x में तो वन हो गई। अब जैसे ही वन हुई तो वन लेस देन टेन है तो वन प्लस इसमें कुछ नहीं जीरो वन हो गया, तो s में कितना हो गया वन, x में कितना हो गया वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, तो इस तरह से ये वैल्यू इंटीजर बढ़ती जाएगी, यहां थ्री हो जाएगा फिर यहां आके फाइव हो जाएगा, तो इस तरह से चलता चलता 45 वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर। अब हम एक और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसमें ज्यादा देर नहीं करते हुए, यूजिंग स्टेटमेंट लूप्स, यानी कि एल्स स्टेटमेंट के साथ लूप कैसे यूज करते हैं। तो पाइथन सपोर्ट टू else स्टेटमेंट एसोसिएट विद लूप, पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो लूप के साथ else सपोर्ट करती है। तो यहां पर else स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं, when else स्टेटमेंट्स यूज बिकॉज while condition becomes false, यानी कि जब मेरी while की condition false हो जाती है उस case में मैं क्या करता हूं, using else statement with loops, तो with
वाई लूप। सो यानी कि एल्स स्टेटमेंट को जब मैं, एल्स स्टेटमेंट को जब मैं यूज कर रहा हूं, तो इसमें क्या होता है कि वाइल स्टेटमेंट की कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तभी एल्स स्टेटमेंट आपका काम करता है। अब बात करते हैं, इसमें हम बताया था इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप होता क्या है, यानी कि लूप नेवर बिकम्स अ कंडीशन फॉल्स, यानी ऐसा लूप जिसकी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती हो, वो क्या कहलाता है आपका, इनफाइनाइट लूप, यानी कि जो चलता ही रहता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, इनफाइनाइट लूप का एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। वेरिएबल की वैल्यू 1 ले ली है मैंने, वाइल को क्या कर दिया, वेयर डबल इक्वल टू 1, यानी कि वाइल क्या हो जाए, वैल्यू के 1 के बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन रिजल्टिंग इन अ इनफाइनाइट लूप, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, 1 है तो 1 से चलता रहेगा। तो उस केस में मैं नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, तो जैसे ही मैं नंबर एंटर करूं तो क्या प्रिंट कर दे, यू एंटर्ड, मैंने क्या किया इसमें नंबर, और उसके बाद प्रिंट लिख दूंगा मैं गुड बाय। लेकिन आपको ये बता देता हूँ, जब सी में आप प्रोग्रामिंग करते हो या जावा में करते हो, इनफाइनाइट लूप टर्मिनेट नहीं होता है, आपको आपका एडिटर ही क्लोज करना होता है, देन उसके बाद ही वो लूप टर्मिनेट होता है। सो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। अगर मैंने वैल्यू डाली 100, तो देखते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, यानी मैं चलाता जाऊंगा लेकिन मेरा लूप टर्मिनेट नहीं होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, अब मैंने खाली छोड़ दिया तो इसने एरर दे दी, क्लियर। सो ब्लैंक छोड़ने से ये एरर दे रहा है, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने 1 लिखा तो इसने ले दिया 1, 2 लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं कितना ही करता जाऊं, अनलिमिटेड, दिस इज द इनफाइनाइट लूप जो कि कभी एंड नहीं होगा। अब बात करें नेस्टेड लूप की, जो कि हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। अब एक छोटा सा पैटर्न प्रोग्राम मैं आपको समझा देता हूँ आज, फिर नंबर पैटर्न एग्जांपल 3, प्रिंट थर्ड नंबर पैटर्न्स। अगर मैं लास्ट नंबर 6 देता हूँ तो 4 जो है मेरा वो रो के लिए चल रहा है, यानी एक रो के मैं प्रिंट कर रहा हूँ, रो इन अ रेंज 1 से लेकर लास्ट नंबर तक। चलो मैं लास्ट नंबर यहाँ पर 8 कर देता हूँ, और कॉलम कितना चले, तो रो 0 इज टू -1, यानी कि एक फोर लूप चल रहा है, यानी कि नेस्टेड लूप है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन आज मैं पैटर्न दिखा रहा हूं कि लॉजिक डेवलप कैसे करना है। तो 4 रो इन अ रेंज 1, स्टार्ट नंबर 1 और स्टॉप नंबर लास्ट नंबर, जो हमारा ही यहां पर है 8। 4 कॉलम इन रेंज, यानी कॉलम की फॉर्म में चलेगा 1 2 3 4, वो रो की फॉर्म में चलेगा 1 2 3 4। तो रो 0 और -1, क्योंकि हमें पैटर्न प्रिंट कराना है, -1 इसलिए क्योंकि हर रो के बाद ये ब्लैंक होके नेक्स्ट रो में शिफ्ट होगा कॉलम। तो एक, यानी जब फर्स्ट रो चलेगी तो एक बार चलेगा तो उसमें कॉलम नेक्स्ट नहीं आएगा, इसलिए -1। प्रिंट कॉलम एंड सेपरेटर और प्रिंट, सो शेल बी द आउटपुट, ओहो आउटपुट इज नॉट कमिंग, सो वंस अगेन विल हैव टू रीस्टार्ट द, अवर जुपिटर नोटबुक। तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो ट्राइंगल रेक्टेंगल है वो बहुत, उसी से आपका लॉजिक डेवलप होगा, उसी से आप एक गुड प्रोग्रामर बनोगे।
तो गुड प्रोग्रामर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट कर लेता हूं मैं एक बार अपना एडिटर, देन उसके बाद हम आउटपुट देख पाएंगे। आउटपुट नहीं आ रहा है, ये एरर आ रहा है। क्या एरर बोल रहा है? क्या कॉलम इज नॉट डिफाइंड, सॉरी। ओके, सो मैंने क्या दिया था, लास्ट नंबर 8, तो उसके पहले ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि फर्स्ट जो मेरा लूप चला वहां आप 1 चला, तो इसलिए -1। एक बार चला, फिर 1 चला, 2, फिर रिवर्स चल रहा है क्योंकि माइनस मैंने लगाया है, तो इसलिए 1 2 1, 3 2 1 चल रहा है। अगर मैं -1 नहीं लगाता हूं, सो आउटपुट आप देख सकते हैं पैटर्न गायब हो जाएगा। और अगर मैं ये भी हटा देता हूं यहां से, ओके, और यहां पर लगा देता हूं लास्ट नंबर 8, सो अब आप आउटपुट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5, यानी कि जब मैंने -1 यहां पे किया, क्या किया, -1 किया, किसको, एक मिनट इसको ऐसा ही रहने देते हैं। इस प्रोग्राम को मैं दोबारा कॉपी करकर आपका एक और सही प्रोग्राम बता देता हूं। तो इसमें तो आपने यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 0, -1, तो -1 करने से मेरा जो पोजीशन है लेटर्स का वो रिवर्स में हो गया, 8 -1 7 6 5 4 3 2 1। ओके, सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ। सो आई थिंक मैं पैटर्न अच्छे से बताऊंगा आपको। प्लीज, थैंक यू, गुड नाइट, वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हैव अ नाइस डे।